भगवान की हमें कभी याद नहीं आती। आपने कहीं जाने का प्लान बनाया, जैसे आपने सोचा कि चलो वृंदावन चलते हैं, किन्हीं कारणों आप उसमें जा नहीं पाते, तो आप यही सोचोगे चलो कोई बात नहीं, आज नहीं जा पाए तो कल चले जाएंगे। लेकिन अगर किसी दूसरी जगह आपका बेटा या बेटी कोई है, अगर आपको फोन आ गया पापा आज आना है, तो आप कितने भी काम होंगे आप वो काम छोड़कर अपने बेटे के पास पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपका पिता और बेटे का एक संबंध है, कहीं बेटे को कष्ट ना हो जाए इसलिए सारे कामों को छोड़कर आप अपने बेटे के पास पहुंच जाओगे। अगर भगवान के पास वृंदावन जाने के लिए आपने प्लान बनाया है, कारण आप जा नहीं पाते, सोचोगे चलो कोई बात नहीं, आज ही जा पाए कल चले जाएंगे। आपके बेटे ने आपसे कोई याचना की, आप ललितपुर गए, बोले पापा अमुक वस्तु लाना, कोई चीज लेके आना। आप अगर वो चीज लाना भूल गए, कुछ दूर निकल आए, याद आया, आप वापस हो जाओगे, क्योंकि बेटी ने कहा है ना। अगर आपको फोन घर से पहुंचा, बोले भैया भगवान का प्रसाद खत्म हो गया है, आप प्रसाद लेकर आओ, अगर आप आ गए रस्ते में याद आई कि भगवान का प्रसाद लाना है, यही सोचोगे चलो आज की तो ठीक है कल लेके आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे एक साल में तकरीबन दो चार पांच जोड़ी कपड़े तो खरीदते हैं, लेकिन भगवान की कोई गारंटी नहीं कोई 10 साल वो कपड़े में चल जाए। भगवान की याद क्यों नहीं आती, क्योंकि उससे एक संबंध नहीं है, हमें विश्वास नहीं है उस पर। और भगवान की प्राप्ति सबसे पहले अगर प्राप्त करनी है तो उससे संबंध बनाना पड़ेगा और विश्वास बनाना पड़ेगा। कहते ना बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर, बगैर प्रेम के नहीं रीझता। भगवान की प्राप्ति मीराबाई को हुई, कब हुई, जब उसने एक संबंध बनाया था सूरदास को मिले भगवान, सूरदास ने भी एक संबंध बनाया था भगवान से। भगवान को ये कहते हैं मुझे अपना मित्र बना लो, अरे ज्यादा है तो मुझे अपना बेटा बना लो। कंस को भी भगवान मिल गए, कंस ने भी तो एक रिश्ता बनाया था शत्रु का। रावण को भगवान मार गए, रावण का एक संबंध था शत्रु का। भगवान कहते अगर कुछ ना बना पाओ तो शत्रु ही बना लो। बगैर प्रेम के भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर भगवान की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले उससे एक संबंध बनाना पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजा परीक्षित देखो तो मेरा गोविंद भक्तों को सुख देने के लिए क्या क्या नहीं करता। जिस जिस घर में लाखों गम है लेकिन फिर भी वो माखन की चोरी कर रहा है। आज वो गोविंद यशोदा से डर रहा है, कौन, जिस जिस स्वयं काल डरता है। अगर उसने अपनी भोखड़ी अगर थोड़ी झुका दी ना तो इस पृथ्वी पर प्रलय आ जाएगा। आज वो यशोदा के डर से कांप रहा है। एक ऐसी बात, खेल खेल में मेरे गुरुदेव ने अपने मुख में मिट्टी दी। बलराम जी आए और मैया से कह दिया, मैया आज तो कन्हैया ने मिट्टी खाई। कन्हैया बोले भैया मैंने नहीं खाई। यशोदा जी से कहते बलराम, नहीं मैया इसने मिट्टी खाई। कन्हैया से मैया बोली, बेटा लाला अगर ऐसा है कि तूने नहीं खाई तो अपना मुंह फैला दिया तो मुझे। जैसे कन्हैया ने अपना मुंह का आकार बढ़ाया, जैसे मुंह फैलाया, अतल वितल सतल तलाता महाबल पाताल सातों दीप मेरे गोविंद के मुख में दिखे। यहां तक ब्रिज दिखा, मथुरा वृंदावन दिखा, यहां तक यशोदा स्वयं अपने को कन्हैया के मुंह में बैठा हुआ दिखा।
जैसे कन्हैया को देखा मैया तो घबरा गई, बोली कन्हैया ये क्या है? अरे तेरे मुख में मुझे भाव भाव से दिखाई दे रहा है। कन्हैया ने योग माया को आदेश दिया, जो मैया ने देखा सब कुछ मिल गया। मैया कहते हैं कन्हैया अभी मैंने आप तेरे मुख में कुछ देखा है? कन्हैया बोले मैया मेरे मुख में कुछ नहीं है। इस तरह कन्हैया अपनी बाल लीलाओं से सभी को मन मोहित करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित हमारे देवरे ने जितनी बार भी अवतार धारण किया हमारे भोलेनाथ हर बार बार भगवान के दर्शन के निमित्त गए। आज भोलेनाथ कैलाश से भगवान के दर्शन के निमित्त चले, हाथ में डमरू है। जैसे ही मैया यशोदा के दरवाजे पर पहुंचे अलग अलग आई, कहते मैया मैंने सुना है कि तुम्हारे यहां लाला हुआ है, तो उसके मुझे दर्शन करा दो। एक सखी आई, जैसे ही सखी ने बाबा को देखा बोले बाबा आपको कन्हैया के दर्शन नहीं मिलेंगे। बोले क्यों? बोले जैसे ही सखी ने देखा बोले बाबा आपको दर्शन नहीं मिलेंगे। क्यों? बोले बाबा आपके ऊपर जो बिच्छू छतैया साफ है इसको कन्हैया देखकर डर जाएगा। बाबा मन ही मन मुस्कुराते हैं, प्यारे देखो तो ये छोटे से सपोले से डरेगा, ये तो हजारों आंखों पे सोने वाला है। जैसे ही वह सखी अंदर गई, जैसे अंदर जाके उसने देखा मैया से कहा मैया ये बाबा आया है और वो सात बिच्छू छतैया को लपेड़े हुए हैं और कह रहा है कन्हैया के दर्शन कराए दे। मैया बोले ऐसा करो उसको वहीं से वापस कर दो, कन्हैया के दर्शन नहीं मिलेंगे। जैसे मैया बाहर आ बाबा बोले मैया मुझे कन्हैया के दर्शन करा दे बस और कुछ नहीं। मैया बोले ऐसा करो बाबा बहुत सा धन ले जाओ लेकिन कन्हैया के दर्शन नहीं मिलेंगे। शंकर जी कहते हैं मैया मुझे धन की आवश्यकता नहीं है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जो केवल कन्हैया के दर्शन चाहिए तो कन्हैया के दर्शन करा देते। मैया बोले बाबा मैं दर्शन नहीं कराऊंगा। बाबा बोले तो मैया मैं तेरे दरवाजे पर ही बैठा रहूंगा, कभी ना कभी तो तेरा लाला बाहर निकलेगा और जैसे ही बाहर निकलेगा तो उसके दर्शन कर लूंगा। मैया बोली बाबा आप बैठे रहो हम पीछे का दरवाजा खोल लेंगे। उसी संबंध में जैसे ही शंकर जी विराजे आज भी आप गोकुल में जाइए, भगवान शिव का एक मंदिर है जिसको आशीष्वर महादेव आस लगा के बैठ गए। बोलिए आशीष्वर महादेव जैसे कन्हैया ने देखा कि मैया तो बाबा को दर्शन ही नहीं कराएंगे, कन्हैया ने जोरों से रोना शुरू कर दिया। कन्हैया इतने रोए कि मैया चुप कराता लेकिन कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं ले। मैया सोचती है हो ना हो बाबा ही कुछ करके गया है। जैसे ही सखी से कहते हैं ऐसा करो अरे उस बाबा को ढूंढो क्योंकि कन्हैया चुप होने का नाम ही नहीं लेता। मैया दूध पिलाती दूध नहीं पीता बस रोए जा जा। जैसे ही सखी दौड़ी दौड़ी भगवान शिव के पास आई बोली बाबा अरे वो कन्हैया चुप नहीं हो रहा है, तो मैया ने आपको याद किया। शंकर जी बोले सखी हम नहीं जाएंगे। अरे अरे अभी हमने आपसे कहा था कि दर्शन करा दो लेकिन आपने मना कर दिया था। सखी कहती ऐसा करो चलो दर्शन देंगे। शंकर जी बोले दर्शन कराओगी तो चलेंगे। बोले हाँ आपको भगवान के दर्शन होंगे कन्हैया के दर्शन कराएंगे। जैसे ही भगवान शिव कन्हैया के दरवाजे पर पहुंचे उधर से
मैया यशोदा कन्हैया को लेकर आई। अब बाबा सोच रहे हैं कि कन्हैया के चरणों को तो छूना है, लेकिन कैसे छूएं? अगर छूएंगे तो यशोदा सोचेंगी, देखो तो इस बुड्ढे बाबा को कितने से लाला के पैर छू रहा है। बाबा कहते हैं, शंकर जी बोले, भैया इसकी नजर तो बड़ी बड़ी भयंकर नजर लगी है, इसको तो झाड़ना पड़ेगा। और शिव ने अपनी जटा ली और भगवान के ऊपर फेंकना शुरू की, और जैसे ही जटाएं फेरी तो कन्हैया चुप हो गए। कहने का भाव, एक भक्त को भगवान से अलग करने थी यशोदा, भगवान को कष्ट हुआ, रोने लगे। एक भक्त का मिलन भगवान से हो गया, कन्हैया चुप हो गए। जैसे ही शिव ने चरण छुए, भगवान के दर्शन किए, जाने लगे कि कन्हैया ने दोबारा रोना शुरू कर दिया। भगवान कुछ दूर पहुंचे, यशोदा घबरा गई कि ना जाने कन्हैया को क्या हो गया है। और जैसे ही कन्हैया ने रोना शुरू किया, मैया को बड़ा कष्ट हुआ। और प्रार्थना करती हैं कि मोरो मचल।